व्हाट्स द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ की क्या कीमत है? और अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? एंड देयर माइट बी चांसेस कि आप लोगों में से बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे कि आपके लाइफ की वैल्यू क्या है, बट डोंट वरी अबाउट ऑल दैट. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी विथ यू, एंड इन द एंड ऑफ दैट स्टोरी यू विल गेट टू नो दैट वॉट एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ योर लाइफ इज. बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इस सवाल से कि उसकी जिंदगी की क्या वैल्यू है, उसकी जिंदगी की क्या कीमत है. तो वो ये जानने के लिए एक संत के पास जाता है. लेकिन जब वो संत के पास जाता है इस सवाल के जवाब में कि उसके लाइफ की क्या वैल्यू है, तो वो देखता है कि वो संत मेडिटेशन कर रहे होते हैं और वो उनको बिना डिस्टर्ब किए वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है. लेकिन जब संत का मेडिटेशन ओवर होता है तो वो देखते हैं कि उनके पास एक इंसान बैठा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही व्याकुल दिख रहा है. तो वो संत महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि पूछो बेटा, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो वो इंसान बोलता है कि महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी का मोल क्या है, क्या कीमत है मेरे लाइफ की जो ऊपर वाले ने मुझे दी है. तो वो संत मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति को अपने करीब बुलाते हैं और उसके हाथ में एक लाल बड़ा सा स्टोन रख देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसे बेचने की कोशिश करना, लेकिन बेचना नहीं, सिर्फ इसकी कीमत पता करके आना. कोई भी इंसान तुम्हें पूछे कि क्या कीमत है, कितने में बेचोगे, तो मुंह से कुछ मत बोलना, सिर्फ दो उंगलियां दिखा देना. अब वो इंसान बाजार चला जाता है और जब वो बाजार में जाता है तो उसे एक आलू बेचने वाला इंसान उस आदमी को देख लेता है और बोलता है कि भाई, ये पत्थर तुम्हारे हाथ में जो है, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? तो वो इंसान बोलता है कि हाँ, मैं इसे बेचना चाहता हूँ. तो वो पूछता है कि कितने में दोगे? तो जैसे संत ने बोला होता है कि आप कुछ मुंह से बोलना नहीं, सिर्फ दो उंगलियां दिखा देना, तो वो इंसान वैसा ही करता है, उसे दो उंगलियां दिखा देता है. तो उस आलू वाले उससे पूछता है कि अच्छा ठीक है, इसके बदले 2 किलो आलू लोगे? आप मेरे से 2 किलो आलू ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो. तो वह इंसान कुछ नहीं बोलता और उस पत्थर को वापस लेके संत महात्मा के पास आ जाता है और संत से बोलता है कि इस पत्थर के बदले मुझे एक आलू बेचने वाले इंसान ने 2 किलो आलू देने के लिए बोला. तो महात्मा बोलते हैं कि एक काम करो, कोई बात नहीं, अब इस पत्थर को लेके आप म्यूज़ियम में चले जाओ और आप इसे वहाँ बेचने की कोशिश करो, बट लेकिन बेचना नहीं. तो यही काम करता है वो इंसान, उस पत्थर को लेके म्यूज़ियम में चला जाता है. वहाँ पे जाके देखता है एक बूढ़ा सा इंसान रहता है जो कि बहुत ही नॉलेजेबल रहता है, बहुत ज्ञान से भरा रहता है. तो उस पत्थर को उस बूढ़े इंसान के पास ले जाके उसे दिखाता है. तो वो बूढ़ा इंसान इससे बोलता है कि क्या आप इसे बेचना चाहते हो, क्या कीमत लगाओगे आप इसकी? तो वह इंसान फिर जैसे संत महात्मा ने कहा होता है कि आप अपने मुँह से कुछ बोलना नहीं, सिर्फ 2 उंगलियाँ दिखा देना, वो वैसे ही करता है. तो वो बूढ़ा इंसान उसको कहता है अच्छा ठीक है, आप 2 लाख रुपए लोगे? एक काम करो, आप मुझसे 2 लाख रुपए ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो. फिर वो इंसान कुछ नहीं बोलता, वहाँ से भागे भागे संत महात्मा के पास जाता है और बोलता है कि म्यूज़ियम में मुझे इस पत्थर के बदले 2 लाख रुपए देने के लिए बोला गया था. तो संत महात्मा बोलते हैं कोई बात नहीं, अब एक काम कीजिए, आप इस पत्थर को लेके शहर में चले जाइए और शहर का सबसे बड़े ज्वेलर, सबसे बड़े सोनार को आप इसे बेचने की कोशिश करो, लेकिन बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पता करके आ जाओ. तो वो इंसान वैसा ही करता है, उसे लेके शहर चला जाता. अब वो शहर निकल जाता है उस पत्थर को लेकर और जब वो पत्थर लेकर सुनार के पास, ज्वेलर्स के पास पहुंचता है, तो वो ज्वेलर्स जब उस पत्थर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि मानो जैसे उसने ना जाने क्या देख लिया. और वो उस पत्थर को हाथ में लेकर कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो कभी आगे तो कभी पीछे देखता रहता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक रूबी है और इतना बड़ा रूबी मैंने आज तक कभी नहीं देखा. इस रूबी की कीमत तो उस पूरे शहर में तो क्या, इस पूरे देश में आपको कोई नहीं दे सकता, पर अगर फिर भी आप इसे बेचना चाहते हो तो आप बताओ आप कितने पैसे लोगे? तो वह इंसान फिर संत महात्मा की बात याद करता है और फिर सिर्फ उसे 2 उंगली दिखा देता है. अब वो ज्वेलर्स बोलता है
कि अच्छा आप इस रूबी के लिए 2 करोड़ लेना चाहते हो, कोई बात नहीं आप 2 करोड़ ले लो, बट मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि इस रूबी की कीमत इस 2 करोड़ से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप इस रूबी को बेचना चाहते हो तो मैं 2 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, आप ये रूबी मुझे दे दो। अब वो इंसान एकदम हक्का बक्का हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, और वो वहाँ शहर से भागते 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 वापस संत के पास सीधे पहुँचता है, और बिल्कुल हैरान परेशान कि महाराज वो ज्वेलर्स जो था, जो सुनार था, वो मुझे इस रूबी के लिए 2 करोड़ देने के लिए तैयार हो गया था, इस पत्थर के लिए, आखिर ऐसा इस पत्थर में है क्या मुझे बताइए। तो वो महाराज कहते हैं कि इस पत्थर में कुछ नहीं, ये पत्थर तुम्हारी ज़िंदगी की तरह है, तुम जैसे भी लोगों के बीच में जाओगे, जैसे भी परिस्थिति में जाओगे, वैसे ही तुम्हारी और इस पत्थर की वैल्यू हो जाएगी। तुम जब ऐसे इंसान के पास गए जो कि सब्जी बेच रहा था, वो तुम्हें 2 किलो आलू देने के लिए तैयार हो गए, और जब तुम ऐसे इंसान के पास गए जिसे थोड़ी बहुत परख थी, वो तुम्हें 2 लाख देने के लिए तैयार हो गया, और वो इंसान जो एक्सपर्ट था, जिसे रियल वैल्यू पता थी, उसने तुम्हें बोला होगा कि ये अनमोल है, और वो 2 करोड़ भी देने के लिए तैयार था इस पत्थर की, क्योंकि उसे भी पता है कि क्या कीमत है इस पत्थर की। तो तुम्हारे लाइफ की भी वही कीमत है जो तुम मान लेते हो। अब ये लाइफ अनमोल है, जैसे लोगों के बीच में आप रहोगे वैसे आपकी लाइफ हो जाएगी। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि यदि आपको आपकी वैल्यू पता चल गई हो तो आप प्लीज़ एक बार चेक करो कि आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो, ऐसे लोगों के बीच में जो आपके लाइफ की वैल्यू को जानते हैं और आपकी कदर करते हैं, या ऐसे लोगों के बीच में जिनके बीच में आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, जो आपके लाइफ की वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और देखिए, यदि आज हम अपनी संगति बदल देते हैं तो शायद क्या पता कल हमारी और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। और ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है दैट इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज योर सराउंडिंग। सो लेट्स टेक अ प्लेस दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू चेंज आवर सराउंडिंग फ्रॉम नेगेटिव एनवायरनमेंट टू द पॉजिटिव एनवायरनमेंट। एंड इफ यू एग्री विद माय वर्डिंग्स, इफ यू एग्री विद माय स्टोरी, सो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड योर नोन, बिकॉज देयर माइट बी चांसेस दैट अ स्मॉल स्टोरी एड्स अ वैल्यू टू देयर लाइफ।